सो ही व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपको भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। तो गाइस काफी दिन हो गए भाई, रिया मामा के गई हुई है और आज फाइनली घर पे वापस आ जाएगी। आज फाइनली जोजो भी मिल लेगा रिया से, क्योंकि गाइस जोजो भाई बहुत मिस कर रहा है रिया को। जब से रिया गई है ना तब से ऐसे ही बैठा रहता है। गाइस रात को जोजो सोने नहीं देता, रिया का वेट करता रहता है कि भाई कब आएगी। बाहर बैठा रहता है गेट पे। चाप खा ले। गाइस ये देखो भाई, मम्मी ना चाप की सब्जी लेके आई है। अभी मैंने खाना कम कर दिया ना, तो मम्मी सिर्फ सब्जी लेके आई है। खाके बताइयो अच्छी बनी कैसी बनी। जोजो तू भी खाएगा चाप। गाइस ये तो भाई रिया को याद कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा, कुछ खा भी नहीं रहा जोजो। गाइस जोजो ना भाई बेड पर चढ़ नहीं पाता, अभी ऊपर चढ़ नहीं पाएगा ये। और गाइस जब इसको ऐसा लगता है ना, मैंने रस्सी पकड़ी हाथ में, तब आराम से चढ़ जाता है। ये देखो अपने आप चढ़ाइए, रस्सी बिल्कुल ढीली है जो। तो चल गो। ये देखो अपने आप चढ़ गया, इसके अंदर कैपेबिलिटी है। जब रस्सी हाथ में रहती है ना तभी चढ़ पाता, नहीं तो नहीं चढ़ पाता। गाइस अब की बार मैं रस्सी छोड़ दूंगा, फिर देखते चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा। ये देखो गाइस वैसे क्यों नहीं चढ़ पाता, ये कॉन्फिडेंस नहीं आता इसको, है ना। हाँ सुसु कर दे स्कॉर्पियन के ऊपर। गाइस आज ना भाई 21 नवंबर है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। सर्दियों के टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी, कमाल हो गया। ये देख लो भाई कितने सारे सांड, जोजो देख रहा है भाई इनको। देखो देखो वहाँ पे मैंने बोला था कि लड़की बन के मजा आया, ये बोल रहा था हाँ मजा आया। ये कह रहा है गाइस, स्कूल में सबसे कह रहा है कि भाई मेरे को लड़की बन के बहुत ज्यादा मजा आया। मैं तो नहीं कह रहा, झूठ मार रहा है तू। आज मैं इंग्लिश वाली मैम के पास गया कुछ पूछने, मैम ने मुझे थप्पड़ मार के बिठा दिया। और मैंने सुनी भी नहीं। कह रहा आज मैं इंग्लिश वाली मैम के पास कुछ पूछने गया, मैम ने सुना भी नहीं और थप्पड़ मार के बिठा दिया। और आज मैम ने बोला नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ला सकते हैं पराठे दही। आज मैम वीडियो देखने के बाद ये बोल रही है नहीं ला सकते हैं चावल पराठे, ला सकते हो सब कुछ। और मैम कह रही है मैंने बोला भी नहीं, और सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैम आपने बोला था। गाइस मेरे को सारी बात बता रहा है, कह रहा वीडियो मत बनाओ मैम देखती है। अच्छा ओए चिक्की, ओ भाई गिर गया, कपड़े चेंज करिए आया। अभी तुमने वीडियो देख लिया, कह रही है कि चावल ला सकते हो पराठे ला सकते हो दही ला सकते हो। ये क्या पहन लिया तूने? अच्छा यहाँ से देख रहा है। ओ भाई गिर गया। गाइस ये देखो भाई चीनू की बाइक, जब से इसमें आग लगी थी ना तब से ऐसी रखी है ये। पूरी बाइक का बुरा हाल हो गया है, सब कुछ टूट गया बाइक का। ये देखो गाइस चीनू के लिए जब मैं बाइक लेके आया था ना, मैं सोच रहा था भाई बहुत मजे करेगा ये, भाई थोड़ी सी चला पाया इसको। गाइस इसमें मिट्टी घुस जाए पानी घुस जाए तो ये चलनी बंद हो जाती है, तो ये डर्ट बाइक किस नाम की? ये बाइक नहीं डर्ट है, गंदा है, गंद बाइक है ये। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ भाई चीनू की बाइक ना पूरी मॉडिफाई करवा दूंगा। इसमें ना भाई 50 cc का इंजन है, 100 cc से ज्यादा इंजन निकलवा देंगे, डबल से ज्यादा पावर आ जाएगी। ये क्या है भाई? तो गाइस अभी मम्मी का कॉल आया है, रिया घर पे आ चुकी है, तो जोजो को रिया के पास लेके चलते हैं। जोजो रिया जी, गाइस कितना कितना खुश हो गया ये, रात को 2:30 बजे तक सोने नहीं दे रहा था ये, मुक्के जा रहा था ये। जोजो ओ भाई मुंह चाट रहा है जोजो, ओ भाई पूरा मुंह, ओ भाई पूरा मुंह चाट लिया है। अभी फाइनली जोजो खुश हो गया है बहुत ज्यादा। चले जोजो चले। ये देखो गाइस रिया क्या आती है, मेरे पे भोगने लग गया। पार्टी बदल लिया साला, पार्टी बदलू इंसान, पार्टी बदल ली। जब से रिया गई है ना तब से मेरे साथ ही सो रहा था, पूरा मेरे को प्यार कर रहा था। रिया क्या आती पार्टी बदल ली इसने। चलो चल इसको छोड़ के चल जाओ, बेकार हो गया ये बहुत। गाइस ये तो भाई भोंकने की मशीन बन गया पूरा। गाइस गिरगिट को भी टाइम लगता है रंग बदलने में, इसको टाइम नहीं लगता। हाला चलता है मुझसे, पढ़ लिया। गाइस अभी सीन हो गया गलती से, जो मेरे को पाड़ने की कोशिश कर रहा था, रिया को काट लिया जोजो ने। कमाल है तूने रिया को ही काट लिया। गाइस ये तो भाई दूसरे इलाके के कुत्ते आ गए यहाँ पे, कालू मोगली भगा रहे इनको, सारे कुत्ते भगा दिए कालू मोगली ने भाई साहब। तो गाइस आज मामा का लड़का आया चांद, कह रहा मेरे को ड्यूक देखना है। ड्यूक जरूर देखना है एक बार, चल ड्यूक चल। गाइस दो पट्टे बांधे मैंने ड्यूक के। ओ भाई आज ना भाई सभी कुत्तों को एक साथ घुमा के लाएंगे। चल पहन राजा, कालू मोगली आगे चल रहा है और ये बाकी सब लाइन में। गाइस अभी ड्यूक को घुमाने निकले हैं, ड्यूक के ना भाई बहुत सारे दुश्मन हो गए कुत्ते, कालू मोगली पूरा सपोर्ट कर रहा है ड्यूक का। आज हमारे चार चार कुत्ते निकले हैं भाई रोडों पे, गली में राज कर रखा भाई। सामने कुत्ता खड़ा भाई साहब, गाइस वो ना जंगली कुत्ता है, शिकारी है, बस वो भौंके ना भाई। ओ भाई आज रोक ले भाई साहब, खतरनाक। ओ भाई साहब ओ टैगल पकड़ लिया। गाइस अभी एक सीन हो गया, जो देसी कुत्ता था ना भाई वो शिकारी था, लंबे लंबे दांत दिखाता था, उसने ड्रैगन का मुंह पकड़ लिया था। और ड्रैगन तुम्हें पता है भाई छोटा है, वो लड़ाई वगैरह कुछ नहीं करता सिर्फ खेलता है। गाइस जब उसने ड्रैगन को अच्छी तरीके से पकड़ लिया ना, ड्यूक उस देसी कुत्ते के ऊपर गया, पकड़ के उसको उल्टा फेंक दिया, मतलब पटकी मार दी ड्यूक ने, पकड़ के और दूर फेंका दिया एकदम। हाँ। पकड़ी हाँ। और पलट दिया ड्यूक ने उसको, यहाँ से पकड़ा और उल्टा करके पीछे फेंक दिया। गाइस वैसे मेरे को ना भाई ड्रैगन बहुत दुख हो रहा है, ड्रैगन तो उस बेचारे के साथ खेल रहा था, ड्यूक ने अटैक किया ना, अल्टीमेट था और वो तो ड्यूक को पूरा छोड़ा भी नहीं था हमने, पूरा छोड़ देता तो उसको खत्म कर देता। अभी
आलम उसी कुत्ते के पास जा रहे हैं, उसको देख के आते भाई उसके कितनी चोट लगी है। और गाइस पैंथर तो भाई वैसे बहुत चुप रहता है, पर जब लड़ाई का टाइम आता है ना बहुत एग्रेसिव हो जाता है। और हमने तो भाई पैंथर को छोड़ा भी नहीं, उसके ऊपर पैंथर तो उसका बहुत बुरा हाल कर देता, फिर वो बचाना मुश्किल हो जाता। हम किस किस को पकड़ते गाइस, वो भी किसी फ्रेंड का ही डॉग है, तो अभी उनके पास जा रहे हैं। इसने ड्रैगन का मुंह पकड़ लिया था, अभी अभी उस कुत्ते को देख के आए हैं। उस कुत्ते का ना भाई मुंह में बहुत ज्यादा चोट लग रखी है, उसने ना ड्रैगन को पकड़ा, ड्रैगन ने कुछ किया भी नहीं तब भी ड्रैगन के दांत लग गए उसको। जितनी ड्रैगन को चोट लगी है ना ड्रैगन से कई ज्यादा उसको लगी है, ड्रैगन के भी दांत लगे उसके, क्योंकि ड्रैगन भाई पिटबुल है, पिटबुल के दांत मजबूत होते हैं ना। एक चीज हो रहा है, मतलब ड्यूक अगर किसी को पकड़ लेता है ना उसको खत्म करके छोड़ता है, पर गाइस आज ड्यूक ने भाई कमाल कर दिया। ड्यूक ने उसकी कमर पकड़ी उसको फेंक दिया था, बाकी कुछ भी नहीं किया उसको, तो ड्यूक के दांत लगे हुए बस पीछे उसके, सब मिलकर ठीक करवा देंगे उसको भी। मैंने बोल दिया भाई दवाई वाई ले, आज ना भाई ड्यूक की एक समझदारी देखी, इसको पता है कि भाई आपस में लड़ाई कर रहे तो छुड़वा देते। मेरे को पता भी नहीं गाइस ड्यूक इतना समझदार है। गाइस जब पैंथर बड़ा हो जाएगा ना तो पैंथर को पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई किसी को भी पीनट की तरह चबा जाएगा। ये देख लो गाइस फैनी कितनी खतरनाक है, फैनी से भी बहुत तगड़ा बनेगा ये। ये क्या खा रहा है? ये देखो गाइस चावल और दही खा रहा है डोंगे में ही, प्लेट ले ले भाई, इसमें क्यों खा रहा है? चाची ने इसमें ही दिए तेरे को, चाची इसमें क्यों देते हो आप इसको? रोटी मांग रहा था तो आपने डोंगे में चावल दे दिए। तो गाइस ये चाची का मंदिर है, जय माता दी। और गाइस ये चीनू का गेमिंग रूम, गाइस यहाँ पे बहुत कुछ तैयार हो गया है, ये टेबल चाचा ने खुद बनाई है। और गाइस यहाँ पे चीनू का लैपटॉप रखा है, गेमिंग लैपटॉप, इसमें कनेक्ट कर रखा है, अभी इसी से ही खेलेगा चीनू। गाइस ये कीबोर्ड लगाने का, यहाँ पे एक और कीबोर्ड लगाने का, यहाँ पे भी दराज, ये भी आपने बनाया है, पैर रखने का। कौन है? ओ भाई चीनू आ गया, चीनू आ गया। और चीनू को गेमिंग सेटअप दिखाना नहीं है बिल्कुल भी। अरे कुछ नहीं, हम कुछ बात और कर रहे हैं यार, तू जा, तू जा, मारो शक हो गया ना इसको। चलो चीनू क्या कर रहा है यार, एक बार दरवाजा बंद करके हम आ गए। बंद कर दो, क्या है क्या है, क्या दिक्कत हो रही है? गाइस ये पता नहीं ऊपर किसने भेज दिया इसको, क्या कर रहे हो भैया? कुछ भी नहीं कर रहे थे, ऐसे बैठे थे, चल नीचे चलते हैं। अभी हमने रूम का ताला लगा दिया ताकि चीनू ऊपर ना आ पाए और देख ना पाए, जब पूरा हो रहा तब दिखाएंगे। तो गाइस चीकी ट्यूशन से आ गई है, क्या लिखा हुआ है? आई लव डैड का मतलब क्या होता है? चीनू ने छुट्टी मार दी दोबारा, आपको अकेला छोड़ दिया। रहने दे मारते नहीं। क्यों जाता? ये बता क्या पढ़ाई कर रहा है? इसमें से कर रहा हूं। तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, मेरे दोस्त ने मिटा दिया। ये देखो गाइस इस चीज को लर्न कर रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं हुआ, इसके दोस्त ने मिटा दिया। मेरे को लग रहा है इसने खुद मिटाया है ताकि पढ़ाई ना करनी पड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज वैसे 21 नवंबर है, अगले महीने न्यू ईयर आने वाला है, तो चाचा और मैं प्लान बना रहे भाई दुबई जाने का। और गाइस वहाँ पे जो बुर्ज खलीफा के ऊपर जो फायरवर्क्स होते हैं बहुत ज्यादा मस्त लगते हैं, सोच रहे सिर्फ चाचा और मैं जाते हैं। चीनू को नहीं लेके जाएंगे, हम खामखा हाँ, आपको बाद में लेके जाएंगे, चीनू को भी लेके नहीं जाएंगे। अगर आप बाद में जाओगे तो न्यू ईयर पे लेके जाओगे दुबई। नेक्स्ट टाइम तुम जब जाओगे तो न्यू ईयर पे ही लेके जाओगे इसको, क्या पता जाए भी ना। पहले से ही बोलिए पापा को सारी जगह की छुट्टी करवा दूंगा, पर पक्का दुबई जरूर लेके जाऊंगा। क्या बोला? बेसिक सब जगह की छुट्टी करवा दे पर दुबई लेके जरूर चलो, दिल्ली भी जाऊंगा जब भी रोने लग जाऊंगा। इसने बोला था कि भाई कहीं की भी छुट्टी करवा देना पर दुबई लेके चलना, हर बार ना जिद कर करके साथ ही चले जाता था, अब ये दुबई के लिए भी रो रहा है। जैसलमेर गया ना, हर जगह गया ना तू, अब की बार हम दोनों जाऊंगे, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। अगली बार ले जाएंगे कहीं और, ठीक है? इसने ये बोला था मेरे को कहीं भी मत लेके जाना, बस दुबई छोड़ लेके जाना। मैंने पापा और अपने आप ही कर दी थी, ठीक है ले जाएंगे भैया इसको दुबई लेकर जाना। तो गाइस अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे। और गाइस ये देखो भाई चीनू ना भाई बहुत रो रहा है यार, कह रहा है मेरे को भी दुबई जाना है। गाइस चाचा ने इसको एक महीने का टाइम दिया है, अगर ये अच्छे मार्क्स लाया ना तब इसको दुबई लेके जाएंगे। चल ठीक है, बाय बाय भैया, गुड नाइट। तो गाइस लाल में आ गया हूँ घर पे, और गाइस अभी मैं खा रहा हूँ प्लेन राइस, जब तक मैं पतला नहीं होता ना तब तक मैं ऐसे ही खाना खाऊंगा। चांद भी खाना खा रहा है, कैसा लगा ड्यूक भाई? भाई बहुत खतरनाक, जितना वीडियो में लगता है ना उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है वो, मतलब कोई हद नहीं है उसकी। तो गाइस अभी मामा के बच्चे घर पे जा रहे हैं, एकता और चांद, बाय। तो गाइस फिलहाल 9 बज गए हैं, पूरे 9 बज गए हैं। और गाइस अभी फिलहाल मैं अपना गेमिंग लैपटॉप कस्टमाइज करवा रहा हूँ, बिल्ड योर लीजन 5 प्रो, जैसा लैपटॉप मैं चाहूंगा ना वैसे ही आएगा, ग्राफिक कार्ड वगैरह जो भी है ना सारा अपने हिसाब से डलवाऊंगा। मतलब गाइस जितना पावरफुल गेमिंग पीसी होता है ना उतना ही पावरफुल अपना गेमिंग लैपटॉप बनवाएंगे। और गाइस इंस्टाग्राम पे भाई अपनी गैंग के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि निकू भाई गर्मियों में वाटर पार्क बुक करवाना, हमारे मम्मी पापा मान नहीं रहे हैं। तो गाइस अब मैं कंफ्यूज हो गया, तो भाई कमेंट करके बताओ कि भाई सर्दियों में वाटर पार्क बुक करवाना चाहिए या फिर गर्मियों में चले। और गाइस आज तो भाई ड्यूक ने कमाल ही कर दिया। गाइस ड्रैगन की भी टेंशन हो रही थी और उस देसी कुत्ते की भी टेंशन हो रही थी, किसी
कुछ होना जाए, वो कुत्ता ना भाई शिकारी था, उस गली का प्रोटेक्टिव डॉग था। 7 से 8 सेकंड तक ना उसने ड्रैगन का मुंह पकड़े रहा। गाइस ड्यूक ने उस कुत्ते की कमर पकड़ ली अपने मुंह से और भाई उस कुत्ते को पटकी दे दी, मतलब ऐसे करके ऐसे पटक दिया, और पटकने के बाद छोड़ भी दिया कुत्ता। ड्यूक ने उसको इसलिए छोड़ दिया, वो ना भाई पूछ नीचे करके भौंक रहा था। आज एक चीज और देखी, पैंथर ड्रैगन और ड्यूक की ना भाई बहुत तगड़ी वाली टीम है, ये जब निकलते हैं ना तो गाइस सारे कुत्ते भाग जाते हैं। बाकी गाइस फिलहाल 9:30 हो गया है और गाइस अभी मैं करूंगा एडिटिंग और गाइस वीडियो पे ही एंड करते हैं। यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।